हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से मुझे बता दीजिए, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, और यूं कहूं तो सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए शानदार सेशन आ चुका है। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और 24 मंथ का जब सब्सक्रिप्शन लेंगे, साहिल 10 कोड लगाएंगे, अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन मैथ का अनअकैडमी पर आपको मिलने तो लाइक को शेयर कर दो। लाइक किस लिए? खुशी के लिए। ये खुशी किसकी? हमारी सबकी। शेयर किसके लिए? उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। जिन्हें जरूरत है प्लीज ये काम आप करें। अच्छा काम है, दिन में एक कर लीजिए बस, ठीक है? शेयर करना बुरा काम नहीं है। चलिए अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। चलिएगा, कौन जामा पहनाता है? 20 सेकंड का एक समय दिया जाएगा, 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसमें प्रश्न करना है। आपका समय शुरू करता हूं मैं अब। स्पेस मत दो साहिल और 10 में डियर। मैंने कितनी बार कहा है, साहिल 10 में स्पेस मत दो, बिना किसी गैप के लगाओ और स्पेलिंग नोट कर लो। पुरानी वैकेंसी एज इट इज रहेंगी, है ना? एक निर्माता ने एक वस्तु को 50 रुपए पर चिन्हित किया और 20% की छूट दे दी और 25% का लाभ था। मैं आपको तरीका बताता हूं। हमेशा ध्यान रखना जिंदगी में कि जो छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। 20% मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 पर अगर आपने 1 की छूट दे दी तो यानी कि 4 में आपने बेचा और 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का लाभ होगा यानी कि 4 से 5, यानी कि ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी होगा। अब हम जानते हैं इन दोनों रेशो को बराबर बनाने के लिए कौन सी चीज हमारे पास है। सर एक ही चीज है जो बराबर बना सकती है। बोले क्या? वस्तु का विक्रय मूल्य। मैंने कहा बराबर कर दो, सोच क्या रहे हो? इसको भी 5 से गुणा कर दिया और इसको 4 से गुणा कर दिया। क्यों? जिससे कि मेरा सेलिंग प्राइस बराबर बन जाए। अब प्रश्न अनुसार 50 रुपये अगर अंकित मूल्य है तो 25 अनुपात बराबर 50 रुपये, 1 अनुपात बराबर 2 रुपये, तो 16 अनुपात बराबर 32 रुपये। कैसा लगा? मजा आया? कितना आसान तरीका है, मैं तो कहता हूं कि आरामदायक। बस खत्म काम, अगला प्रश्न करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे ही मजा आएगा, पूरे पूरी क्लास को अटेंड करना है। देखते हैं, चलिए टाइम सब हो गया। सीईटी पर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा मेरे प्यारे रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए और एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए। मैं वहां गाइड करूंगा कि अब आगे क्या होगा, ये जो वैकेंसीज चल रही हैं ये क्या होंगी, ये कंटिन्यू रहेंगी नहीं रहेंगी। मैं शाम को वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है? मैं अपने टेलीग्राम पर बता दूंगा। मैं कंप्लीट एनालिसिस करके लाऊंगा क्योंकि मैं सोर्स पढ़ रहा हूँ अभी, मतलब आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ बहुत सारी जगह, तब जाके मैं लूंगा, क्योंकि ऑथेंटिक मुझको देना है आपको, है ना? अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक वस्तु पहले 20% कम हो जाती है और फिर 30%। अब ये फिर आ गया ना, यानी कि जब 20% कम हुई तो 30% बढ़ गई। 20% कम होने का मतलब 20% होता है 1/5, यानी कि 5 से 1 कम। सक्सेसिव लगेगा, सक्सेसिव, क्योंकि उसी पर हो रहा है 10 से 13। तो कैसे आया 10 से 13? 30% बढ़ने का मतलब होता है 3/10 होता है, 10 से 3 बढ़ गया, 13 बन गया। यानी कि अब मैं कह सकता हूं 50 पहले था, 52 अब हो गया। तो बोला गया है कि परिणामी कीमत 416 है, यानी कि अब हो गई जो कीमत है वो 416 है। तो आपको पता लग रहा है कि 8 गुना है। मैंने कहा हाँ, आपका जो वस्तु का मूल्य होगा वह 400 रुपये होगा, इसका मतलब तभी तो वो बढ़कर इतना हो गई। बस
बस ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 400 रुपये आपका राइट आंसर है। सक्सेसिव केस जिंदाबाद था, है और रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ये लीजिएगा। टाइम सब हो गया दोस्तों, टाइम सब हो गया है। देखो कैसे करना है इसको। बोला गया है कि एक आदमी ने 5 रुपए के लिए 3 की दर पर कुछ अंडे खरीदे। अब 5 रुपए में 3 और 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। ये क्रय मूल्य वाली बात है और ये विक्रय मूल्य वाली बात है कि 12 रुपए में 5। कहने का मतलब क्या है पता है आपको, कि हमेशा जो डील होती है वह क्वांटिटी सेम होने पर होती है। कि भैया ये क्वांटिटी सेम करो पहले, तब जाके डील कर पाऊंगा। संख्या तो बराबर करो, तभी तो पता लगा पाएंगे कि भाई सेम संख्या कितने रुपए में मैं खरीद के लेकर आया और सेम संख्या कितने में बेच रहा हूं। तो कैसे करूं कैसे करूं, बोले यार इसमें 5 का गुणा कर देता हूं। तो ये 5 से गुणा होगा तो आपके रुपए भी तो 5 गुना हो जाएंगे। आप बेच रहे हो तो इसमें 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि बराबर बनाना था ना, तो इसमें भी 3 से गुणा कर दिया। यानी कि अब मेरे दिमाग में बैठ गया, अब मेरे दिमाग में यह बैठ गया, अच्छा 25 में मैं खरीद कर ला रहा हूं और 36 में मैं बेच रहा हूं, ठीक है। लाभ कितने का हो रहा है, 11 रुपए का, आराम से। बस यही मिस्टेक करता है बच्चा, 11 रुपए का लाभ हो रहा है कितने कितने अंडों की डील पर हो रहा है, यह बताओ। 11 रुपए का जो लाभ है वह कितने अंडों की, जब आप व्यापार कर रहे हो 15 पर ही तो कर रहे हो, 15 खरीद रहे हो 15 बेच रहे हो, तब 11 रुपए का लाभ हो रहा है। ये भाई तो कह रहा है कि 143 रुपए का लाभ है। तो जब 11 रुपए का लाभ में 15 अंडों की डील हो रही है, अगर मुझे इस लाभ को 143 रुपए तक पहुंचाना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 11 रुपए के लाभ में 15 अंडों पर डील हो रही है, तो 143 के लिए 13 से गुणा कर दूं, तभी तो 143 रुपया होगा। तो बस 13×5=65, 195 अंडों पर डील करोगे तब जाके आपको 143 रुपए का लाभ होगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। मजा आ गया क्या? अगर अच्छा लग रहा है लाइक करिए, मैं पूरा समझा रहा हूं। मैं ये सोच के नहीं चल रहा कि आपको आता है, मैं ये सोचकर चल रहा हूं कि जिसको नहीं आता उसको भी सिखा दूं। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके बताइए। सर कैट लेवल क्वेश्चन आपके सेशन से हो जाएंगे क्या? कुणाल, मैं कैट के लिए अलग से सेशन ला रहा हूँ, जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कैट के लिए मैं अलग से सेशन ला रहा हूँ, है ना, चिंता ना करो। लागत मूल्य चिन्हित मूल्य का 64% है। किसका, समझ में नहीं आ रहा सर? लागत मूल्य चिन्हित मूल्य का, यानी कि चिन्हित मूल्य यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो आपका लागत मूल्य कितना होगा, ध्यान रखना 64 होगा। सर कैसे, क्वेश्चन पढ़ा है मैंने कि लागत मूल्य चिन्हित मूल्य का 64 है। चिन्हित मूल्य 100 है, यानी कि मार्क प्राइस अगर 100 माना तो 64 हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब बोला गया है कि चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट दे रहा हूं, 12% की छूट दे रहे हो 100 पर, यानी कि 88 पर बेच रहे हो, यानी कि ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो बोला प्रॉफिट क्या होगा, 64 में खरीद रहा हूं 88 में बेच रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट निकालने में मुझे कोई समस्या आने वाली है। 8 में से 4 गए तो 4, 24 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। बढ़िया तरीके से निकाल दिया, 8 3 24 और 8 2 64, 3/8। और ये हमसे बेहतर कोई नहीं जाता कि 3/8 क्या होता है, क्यों, हमारा बैठना उठना है इसके साथ।
37.5, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, लाइक वाइक करते रहिए, बढ़िया क्वेश्चन करिए, मजा आएगा। एक मिनट दूंगा। यह शशिकांत 10 बजे वाली क्लास से हो जाएंगे यूपीएससी सी सेट, क्योंकि वहां मैं सीडीएस का भी लेवल लेके चल रहा हूं, तो हो जाएगा, है ना। विश्वजीत 5 बजे मेरा फाउंडेशन क्लास का टाइमिंग है, 5 PM आज मैं मिलूंगा तुमसे, है ना, 5 PM पे। टाइम्स अप हो गया, देखो अब क्वेश्चन को करना चाहिए, अब बहुत हो गया। 8 बाल्टी है यानी कि बकेट है, 5 मग हैं, मैंने मान लिया मग्स 92 रुपीज के हैं, मैंने कहा 5 बकेट और 8 मग, 8 मग कितने के हैं, 77। आप मुझे बताओ, आपने कुछ किया है शायद, आपने क्या किया है, 3 बकेट को कम किया है और 3 मग को बढ़ा दिया है, आपके पैसे उल्टे कम हो गए, कितने कम हो गए, देखो देखो देखो, आपने सोचना है इस क्वेश्चन में, रटना नहीं है भाई, कुछ रटना नहीं है, मैं ये देख रहा हूं 15 रुपए कम हो गए। आपने क्या किया, 3 बकेट को बढ़ाया है और क्या किया है, आपने 3 मग को निकाल दिया, 3 मग को मतलब 3 बकेट को कम किया है और 3 मग को निकाल दिया है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, मैं क्या कर रहा था, मैं माइनस कर रहा था, तो मैंने देखा भाई कुल मिलाकर क्या होगा, 3 मग माइनस, या फिर हम इसमें से ही घटाएंगे, तो 3 बकेट माइनस 3 मग बराबर हो रहा है 15, तो बकेट माइनस मग बराबर हो जाएगा 5। अब सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या निकालना है, कुछ भी निकाल लो, मैं इसमें 5 का गुणा करता हूं, तो ये हो जाएगा 5 5 25, और ये मैंने 5 B ले लिया प्लस 8 मग बराबर 77। सॉल्व करूंगा, माइनस माइनस माइनस, यहां से मैंने ये काट दिया, ये हो गया माइनस का 13 मग बराबर 77, में से 25 चले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये आ रहा है मेरे पास कितना, 2 और 5 52 माइनस का, तो मग आ गया 4 का, 4 रुपए का एक मग है। तो बकेट कितने की हो जाएगी, बकेट हो जाएगी, बकेट माइनस मग बराबर 15 था ना, हाँ मतलब बकेट माइनस मग बराबर था 5, क्योंकि मैंने 3 से काट दिया था, तो बकेट हमारी हो जाएगी 9 रुपए की। तो क्या बोला गया है, 2 मग यानी कि 4 × 2 = 8 प्लस 3 बकेट 9 × 3 = 27, 35 रुपए का सामान हो जाएगा टोटल, 35 रुपीज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए सर, दिल्ली पुलिस की क्लास कब और कहाँ लग रही है, मेरी अनअकैडमी पर लग रही है, 10 बजे लग रही है, फ्री क्लास होती है, उसमें बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ, मस्त होके पढ़ाई करो, ये प्रश्न करो। चलो, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना था पिछले वाले में, है ना, घबराना नहीं। टाइम्स अप हो गया, देखो देखो कैसे करना है। एक पेन की कीमत में 20% कम हो जाता है, अब पेन की कीमत 20% कम होने का मतलब है, 20% कम होने का क्या मतलब होता है, 1/5 यानी कि 5 रुपए का पहले पेन था, अब वह 4 का ही हो जाएगा, यानी कि प्राइस डाउन हो गया, प्राइस ड्रॉप हो गया,
जैसे ही आपकी प्राइस कम होती है, हम जानते हैं कि कंजम्पशन आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि आप ज्यादा पेन लेकर आओगे 1900 रुपए में, जो पहले 100 रुपए लेकर जा रहे थे। तो मैंने कहा कि अनुपात में आप एक पेन ज्यादा लेकर आ रहे हो, सॉरी 1:1, और वो कि 10 पेन के बराबर है, 1:1 10 पेन ज्यादा लेकर आना हो। तो अब मैं कितना पेन लेकर आ रहा हूं, 50 पेन, कितने रुपए में, 100 रुपए में। तो यही तो पूछा गया है, प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या है। तो जब 50 पेन आप लेकर आ रहे हो नए, मतलब नए वाले केस में, अभी वाले में, वर्तमान वाले में, तो 100 रुपए में अगर 50 पेन लाओगे तो एक पेन आपको 2 रुपए का पड़ने वाला है, 2 रुपए का पर पेन पड़ने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर मैं बात करना चाहूं कि पहले कितना ला रहे थे आप, पहले कितने, पहले की क्या प्राइस है, इनिशियल प्राइस कोई बता सकता है आप में से मेरे को, इनिशियल प्राइस क्या होने वाली है? तो 100 रुपये में आप पहले लेकर आ रहे थे 40 पेन, तो इनिशियल प्राइस आपका था 2.5 रुपया। अब कितना हो गया, 100 रुपये में 50 पेन लेकर आ रहे हो तो 2 रुपया। तो आंसर अब का पूछा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताएं, आराम से करें, जल्दबाजी मत करें। टाइम्स अप हो गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरा देखिए कैसे करना है। एक व्यापारी ने 20% की हानि के साथ पर एक लेख बेचा और विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि होती है, तो 5% का लाभ होगा। तो मैं सिंपल करूंगा भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार 20% की लॉस हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो, कि 20% का लॉस हो रहा है और आप 5% के प्रॉफिट पर पहुंच गए, यार ऐसा आपने क्या कर दिया, जो बताना मेरे को, यानी कि आपने कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया होगा ये बताओ, आप मुझे बताओ ना कि आपने ऐसा क्या फेरबदल किया है, आपने पैसे को ज्यादा में, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट है वो कितने ज्यादा में बेच दिया कि आप 20% के लॉस में थे पहले, अब आप 5% के प्रॉफिट में आ गए। बोले यार मैंने पहले तो 20% का लॉस रिकवर किया और फिर मैं प्रॉफिट पर आया, यानी कि मैंने कुल मिलाकर 25% की बढ़ोतरी की है, वही मेरे 100 रुपए के बराबर है। जब 25% आपके धन का 100 रुपए के बराबर है, यानी कि आपने 100% जो बात की है वह 400 के बराबर होगी। और यही पूछा गया है, लागत मूल्य 100% मूल्य वही 400 होगा, तभी तो ऐसा हुआ है। तो ये तो है पहला तरीका, मेथड फर्स्ट। दूसरा मेथड, 20% की हानि, यानी कि 5 से 4, यह आपका क्रय मूल्य है, तो यह आपका विक्रय मूल्य है। फिर 5% का लाभ, यानी कि 20 से 21, तो क्या बराबर होगा, सीपी बराबर होगा, तो इसमें 4 से गुणा कर दिया आपने। तो 16:21 हो रहा है, तो 5:1 बराबर 100 रुपया, क्रय विक्रय मूल्य बढ़ रहा है ना, 1:1 बराबर 20 रुपया, और आपका सीपी कितना है, 20:1, तो 20 गुणा 20 मतलब 400। तो कैसे भी कर लो बात बराबर है, दोनों तरीके आपके लिए मैंने बता दिए, जिससे कि आपको सही समझ में आ जाए कि आप सही तरीके से जा रहे हो नहीं जा रहे हो। ठीक है, आपको जो नीचे वाला लगाना है तो नीचे वाला लगाओ, ऊपर वाला लगाना है तो ऊपर वाला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, लेकिन बस ये दिक्कत है कि आप दिल से लाइक नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। एक अध्यापक क्या चाहता है आपसे, आप अपना बेस्ट देना चाहता है और दिल से प्यार चाहता है, तो वो देते रहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताएं, मैं पूरा समझाऊंगा, शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, चलिए करके देखो एक बार। मैं सीटी के बारे में पूरा एनालिसिस देने वाला हूं, चिंता ना करो। टाइम्स अप हो रहा है मेरे विद्यार्थियों, प्रश्न केवल इतना ही नहीं कि हम कैसे करेंगे इस प्रश्न को, प्रश्न
प्रश्न इतना है कि यार किस तरह से करेंगे। चलिए ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं कि बेसिक क्या कहता है। बेसिक हमेशा ये कहता है कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो पहले, तब जाके कर पाओगे, अन्यथा करेंगे कर ही नहीं पाओगे। जो डील हो रही है, मुझे बस एक चीज बताना कि एक आदमी ने 250 कुर्सियां बेची और 50 कुर्सियों के विक्री मूल्य के बराबर लाभ हासिल किया, लाभ बताओ। ये जो डील हो रही है कितनी कुर्सियों पर हो रही है, यानी कि आप जो व्यापार कर रहे हो, ये जो आप व्यापार कर रहे हो वो कितनी कुर्सियों के आदान प्रदान पर कर रहे हो? 250 बोला गया है, यानी कि आपने 250 कुर्सियों पर ही लाभ हो रहा है, यानी कि आपका जो विक्रय मूल्य होगा वह 250 कुर्सियों का विक्रय मूल्य है माइनस 250 कुर्सियों का क्रय मूल्य। जो लाभ बन रहा है वह किसके बराबर है? 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। बोलो भाई, लाभ ही तो होगा, एसपी माइनस सीपी ही तो है, ये काम खत्म। यानी कि 300 अपने पास जो कितना आ जाएगा, 250 सीपी बराबर 200 एसपी। सीपी अपॉन एसपी कितना हो रहा है? 20/25, 5/20 × 100, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ये समझ में आ गया क्या सबको? अब चलें शॉर्ट तरीका देखें, शॉर्ट मेथड। सर ये तो बड़ा दिक्कत दे रहा है, मैंने कहा टेंशन क्यों लेते हो, जब 250 बेची है ना तो 250 को मान लो एसपी, मान सकते हो? अब मुझे बताओ, आपको कुछ नहीं करना, मुझे ये बताओ कि अगर प्रॉफिट होगा तो सीपी कम होगा या ज्यादा होगा? बोलो 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 बोलो। बोले कम होगा गुरु जी। कितना होगा? 50 से कम कर दो बस। तो सीपी 200 है, ये 250 है, आंसर निकल कर आ गया आपका। 50 का प्रॉफिट है 200 के रेस्पेक्ट में, 25%। क्लियर है? दोनों तरीके समझ में आए, अच्छा लग रहा है, ये बता दो। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है दोनों तरीके से? वेल डन गाइस, गजब हो आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताओ। टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो चुका है। 21,000 रुपए के लिए एक लेक को बेचकर 5% का लाभ कमा रहा है। वाह भाई वाह शेर, यानी कि 20 से 21 होगा। हमेशा रेशो में चलो, ये आपका सीपी है तो ये आपका एसपी है। 21 बराबर अगर 21,000 है तो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 20,000, क्योंकि 1:1,000 हो गया, तो एक्चुअल में क्रय मूल्य 20,000। अगर 15% का लाभ कमाना होगा तो 20,000 का 15% होगा 3,000 रुपया, यानी कि 3,000 का लाभ कितने पर बेचोगे? 23,000। क्या क्या क्वेश्चन है, इजीली कर सकते थे, आराम से करना चाहिए था। नंबर बताने लास्ट में, जो भी क्वेश्चन करोगे 20 20 में से कितने सही हुए ये लिख के बताना है, लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे। ये मेरी पूरा प्रॉमिस है आपसे, और आज टेस्ट भी है वाईफाई स्टडी ऐप पर। अब मैं लूंगा तुम्हें आड़े हाथ और मैं ऐसा स्ट्रांग बना दूंगा, सीईटी हो जाए चाहे कोई हो जाए, ऐसे एक बार में ये स्कोर होना चाहिए। क्या टारगेट है, कोई सोचा है टारगेट? अभी से सोच लो, तैयारी आप जो कर रहे हो सही दिशा में कर रहे हो, पहली बात बता देता हूं, क्योंकि जो टीचर सोच सकता है शायद आप ना सोच रहे हो, लेकिन तैयारी यही होने वाली है। टारगेट आपका होना चाहिए 90। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? कोई भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो मेहनत कर रहा है उसका हो जाएगा, और इसके बाद है ना गारंटी है नौकरी लगना। क्यों मैं बता रहा हूँ, कारण क्या है? कारण ये होता है कि यार 90 लेके आप कहीं भी 3 साल तक कहीं भी जाओगे ना, आप टॉप पर ही रहोगे। देखे जाते हैं सीईटी के मार्क्स, देखे जाएंगे, मतलब सरकार ने बोला है। अब इसको आंसर वो कर दो, फिर आगे चलते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। शाम को वीडियो लेकर आऊंगा सीईटी के बारे में। अगर 100 का होता है तो, हो सकता है कि ज्यादा का भी एग्जाम हो, अगर 100 का होता है तो ये टारगेट रखना है 90% का।
टाइम्स अप हो रहा है। 2850 रुपए के लिए एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार को 14% का लाभ हुआ, यानी कि उस दुकानदार ने क्या किया, 100 से 114 में बेच दिया। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये खरीदा होगा इतने में बेचा है, 114 बराबर किसके है, 2850 के। 1:1 बराबर कितना हो रहा है, 1:1 बराबर निकल कर आ रहा है 25, यानी कि 250। सही है, मतलब 250 के 25 ही होगा, 25 ही है। हाँ, तो बोला गया है कि लाभ अगर 6% कम हो जाए, तो पहले 14% था, अब 6% कम हो जाए, यानी कि अब जो लाभ होगा वो 108, क्योंकि 8% ही होना चाहिए लाभ, अब 6% कम कर रहा है। ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो सीपी तो मैं छेड़ा ही नहीं, सीधा सीधा 25 का इससे गुणा कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2700। ऑप्शन नंबर बी 2700 विल बी योर राइट आंसर। मजा आ रहा है, कोई दूसरा तरीका बिल्कुल है, आ जाओ रेशो से कर लो। और मैंने रेशो से किया, इसको काटा मैंने किससे, 57 बार चला जाएगा, है ना, यानी कि 50 से 57, बात वही पड़ गई। फिर ये हो जाएगा 8% कम, तो यहाँ पर आठ, ये 6% कम करना है, तो ये 8% रहेगा, बात बराबर ही है, इससे ही कर लो ऊपर वाले से, ये आसान है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताएं कैसे करने वाले हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, थैंक यू अनामिका, थैंक यू सो मच। आरआरबी एग्जाम, नहीं, कैंसिल वैंसल नहीं होगा, ये वैकेंसीज तो पूरी होंगी। टाइम्स अप हो गया है, टाइम्स अप हो गया। एक लेख की चिन्हित कीमत उसकी लागत कीमत से 20% ज्यादा है, लेख की चिन्हित कीमत उसकी लागत कीमत से, तो लागत कीमत को 5 मान लो, तो चिन्हित कीमत हो जाएगी 6। अब चिन्हित कीमत पर छूट दी जा रही है, सक्सेसिव केस है, छूट दी जा रही है, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 से 19, सक्सेसिव केस जिंदाबाद, 20 पंजे 100 और 114, कितने का प्रॉफिट हो गया, 14% का। हाँ, मजा आ रहा है, अरे भाई उड़ाना सीखो, उड़ाना फिनिश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये लीजिए करके बताएं। चलिए टाइम्स अप, 15 पुस्तकों का लागत मूल्य, अरे यार 15 पुस्तकों का सीपी 20 पुस्तकों के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी का जो रेशो हो जाएगा वो 5 चौके 20 और 5 3 15, हानि कितनी हो रही है, एक की किसके रेस्पेक्ट में होती है, सीपी के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, 25% आंसर आ गया। सच बताना, अब प्रॉफिट लॉस जैसा नहीं लगता, और पेपर में यही प्रश्न आएंगे, ये मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं लेवल का करवा रहा हूं, चिंता ना करो, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मजा आ रहा है, करते जाओ बस। हाँ, चलिए 10% 10% छूट पर पुस्तक बेचने के बाद एक बुक सेलर 8% का प्रॉफिट कमाता है, तो लागत मूल्य और चिन्हित मूल्य का अनुपात, ये आप जानते हैं, लागत मूल्य और चिन्हित मूल्य का अनुपात का रेशो निकालना है, तो इसके साथ डिस्काउंट आता है वो तो चला जाता है नीचे, और इसके साथ जो प्रॉफिट आता है वो चला जाता है ऊपर,
तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 8% का, तो ये हो जाएगा 108, और डिस्काउंट हो रहा है 10% का, ये हो जाएगा 90। सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर भी निकल कर आ जाएगा, एमपी और सीपी का रेशो 108/90। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भैया काटा पीटी कर लीजिए, 12 नंबर 108 6/5, है ना। तो आपको बोला गया सीपी और एमपी का रेशो, तो उल्टा हो जाएगा, 5:6 आंसर आएगा। तो गलती मत करना, आपसे सीपी और एमपी का पूछा गया है तो यही आंसर देना है आपको। मैंने एमपी सीपी का निकाला तो उल्टा कर दूंगा मैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन गलतियां भी हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, रेशो से भी हो जाएगा, अगर आप इसको रेशो से करना चाहेंगे तो रेशो से भी हो जाएगा ये, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करने वाले हैं। करो 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 फटाफट से, कम ऑन कम ऑन, गजब। टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप। एक घड़ी का चिन्हित मूल्य 720। अरे होने दो, दो लगातार छूट दे रहा है, यानी कि सक्सेसिव है, सक्सेसिव छूट दे रहा है। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ₹550 में बेचता है तभी तो दूसरा कोई खरीदेगा, ठीक है। तो पहला छूट 10%, 10 से 9, दूसरी का पता नहीं, इसलिए एक्स से वाई मान लो। ये एक्स से वाई क्या है, ये उन्हीं को पता रहता है जो रेगुलर पढ़ते हैं। ये दूसरी छूट का रेशो है, बस ये ध्यान रखना। आपको ये दूसरी छूट का रेशो मानना है कि इससे ये हो गया बस, तो इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। यहां पर होगा 720, यहां पर होगा 550.8। 10 से काटेंगे तो ये हो जाएगा अपना क्या 72, और 9 से काटेंगे तो 9 6 54 बचा 1, 9 1 9, 9 2 18। अब मेरी बात को सुनना, अगर ये मैं 72 में से घटाता हूं तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि यार अगर ये 70 होता और ये 60 होता तो 10, तो यहां पर कितना आता 10.8, किसके रेस्पेक्ट में, 72 के रेस्पेक्ट में। इतने का तो डिस्काउंट हो रहा है, इनटू 100। सॉल्व कर लेते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं 12 6 72, 12 नंबर 108, 0 से 0 काटा, काट दीजिए 15% आंसर आ गया। डिस्काउंट कितना जा रहा है दूसरा, 15%। सबका क्लियर है क्या, 15% आपका दूसरा डिस्काउंट होगा। मजा आ रहा है, यस या नो। आप इसको 612 भी मान सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको 72 की बजाय 720 लिख दूं तो इसको 612 भी मान लो, तब भी आप कर सकते हो, बात बराबर ही आएगी, फिर 108 आ जाएगा। तो कैसे भी कान पकड़ लो, बात बराबर है, ठीक है माई डियर। मजा आ रहा है, लाइक दिल से करना है, ऐसे नहीं करना है सिर्फ, ठीक है। चीजें ऐसी ही आने वाली हैं, आप भी जानते हैं ये, मैं भी जानता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, संयम से करिएगा, ठीक है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना बस। वेल डन, डेली 11 बजे लाइव आना है, तभी जाके काम चलेगा, और मेरी गारंटी है उठाने की तुम्हें। अभी बस बोर्ड और आ जाए, फिर पढ़ाऊंगा मैथ और स्टार्ट करूंगा एपी जीपी, है मजा आएगा। चलिए, किसी लेख की लागत मूल्य 20% का लाभ है, विक्रय मूल्य पर गणना करवा रहा हूं, यानी कि मैं लागत मूल्य पर देखता हूं तो ये हो रहा है 5 से 6, यानी कि ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी होगा। अब विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना, यानी कि लाभ अगर 1 है तो विक्रय मूल्य 6 पर इंटू 100, यानी कि हो जाएगा 16 सही 2/3, क्योंकि यहां पर बोला गया कि भैया विक्रय मूल्य पर गणना करो, लाभ तो उतना ही रहेगा, लेकिन अब जो सीपी पर निकाल रहे थे वो अब एसपी पर निकालना है, ये ध्यान रखना बस। क्लियर है, वेल डन गाइस, बहुत ही ग्रेट कर रहे हो काम आप। अगला प्रश्न ये रहा, करके बताएं जामा पहनाएं, कम ऑन। आयशा क्वेश्चन करो,
आनंद कुमार, कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उस पे जुड़ जाओ, तुम पर्सनल मैसेज कर दो, मैं देख लेता हूं तो मैं रिप्लाई कर देता हूं। ठीक है, टाइम्स अप। एक साइकिल विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% की क्या देता है, छूट देता है, बेचता है 25% की छूट पर। अब 20% का उसको लाभ कमाता है, यानी कि मैंने ये कहा 25% का अगर डिस्काउंट देगा तो मैं कह सकता हूं 4 से 3, यानी कि ये उसका अंकित मूल्य है तो ये उसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा डिस्काउंट देने पर। अब 20% का लाभ भी कमवा रहे हो आप उससे, यानी कि मैं कह सकता हूं 5 से 6, यानी कि ये उसका सीपी है तो ये एसपी है। अब आप लोगों से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और आज भी डिस्कस कर रहा हूं कि भैया देखो, आप या तो रेशो से कर लो, या एक फॉर्मूला अभी बताया था, याद आ रहा है, एमपी और सीपी का फॉर्मूला बताया था डायरेक्टली, 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस D, वो लगा लो, उससे डायरेक्टली हो जाएगा। जैसे कि 100 प्लस P करेंगे तो कितना आ रहा है 120, और 100 माइनस D करेंगे तो कितना आ रहा है 75, काट लीजिए 15 8 120, 15 5 75, लागत मूल्य 1800 है तो 5:1800 है तो 1:1 कितना हो जाएगा 360, और 360 × 8 करेंगे तो हो जाएगा 2880। ये लो कितना आसानी से हो गया, क्लियर? तो ये अभी बताया था ना मैंने, वही है ये एमपी और सीपी का रिलेशन, जब हमें लाभ और छूट दे रखी हो, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये पेपरों में आजकल। एक बार खींच के लाइक कर दो यार सब लोग, 2 सेकंड का समय देता हूं, जितना खींच के हो सकता है लाइक कर दीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना पेन चलाए करके बताना, और सर बिना पेन चलाए किया है ये लिख के बताना, कम ऑन। टाइम्स अप। एक चिन्हित मूल्य 30% की छूट और 20% की छूट, नहीं 30% की छूट और 20% और 10% की दो छूट, और कीमतों का अंतर 72 है, तो यार ये बताओ क्या 30% की छूट 20% और 10% की सक्सेसिव छूट के बराबर है क्या? बोले ना गुरुजी ना, ये 30% प्योर है और ये सक्सेसिव है, और ये सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, a+b - a * b/100, यानी कि ये सर 28% है। ओके, तो जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2% का, किसके बराबर है, 72 के बराबर, तो 100% भाई टोटली तो निकालना, कितना चिन्हित मूल्य था, क्योंकि जो छूट होती है, जो डिस्काउंट होता है, वो किस पर निकाला जाता है, अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य ही आएगा यहां से, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, क्लियर? वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया, बिना पेन चलाए। अगला प्रश्न 18वां, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा, जो करके दिखाएगा उसे मिलेगा बहुत सारा प्यार हमारा, वाह क्या शायरी है। चलिए 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 चलिए, नेशनल भर्ती एजेंसी के बारे में बताओ। मनीष कुमार, एक मैं बड़ा इवेंट करने वाला हूं शाम को, है ना, उसमें पूरा कंक्लूजन पर पहुंच के बात करूंगा, है ना, जल्दबाजी में मैं नहीं करूंगा कुछ भी। डेली क्लास का टाइम 11 बजे है। टाइम सब हो गया भाई साहब। देखिए, राहुल ने कुल 1500 रुपए की दो साइकिल खरीदी हैं, दो साइकिल दोनों 1500 की मिलाकर हैं, ठीक है, प्रत्येक का नहीं है, पढ़ो क्वेश्चन को। कुल 1500 रुपए में, कुल 1500 रुपए में खरीदी, यानी कि क्रय मूल्य 1500 रुपए क्या है, कुल 1500 क्या क्रय मूल्य, कैसे पता चला, राहुल ने कुल 1500 की दो साइकिल खरीदी। जोर क्यों दे रहा हूं, काम की चीज है, भूल जाता है बच्चा। पहली साइकिल को 20% की हानि पर, यानी कि 5 से 4 पर, इतने में खरीदा होगा भाई ने, इतने में बेच दिया, और दूसरी को 20% के लाभ पर,
इतने में खरीदा होगा, इतने में बेच दिया। लेकिन ध्यान इस बात के दीजिए कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्या समान दे रखा है? क्या क्या समान दिख रहा है आप लोगों को? ना, समान करना पड़ेगा। इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा जिससे कि 12 बन जाए। इसको विक्रय मूल्य को 2 से गुणा करना पड़ेगा जिससे कि 12 बन जाए। क्या बोला गया है कि दोनों का क्रय मूल्य 1500 था, यानी कि 15:10 टोटल क्रय मूल्य आ रहा है 25:25, जो कि किसके बराबर है? 1500 के बराबर है। 1:60 तो पहली साइकिल का लागत मूल्य 15:15 है ना, तो 15 × 60 करूंगा तो 900 रुपया आ जाएगा आंसर, काम खत्म। दूसरी साइकिल का कितना आ जाएगा? 600 रुपया। ये लो, कितना आसान है। कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता भाई। गणित को खेलना आना चाहिए आपको। सीबीटी कब होगा? अभी नहीं होगा समीर, ये अभी सरकार ने पास किया है। और ये पता है, आप विश्वास मानिए, शायद पता नहीं आप 3 साल पहले मेरे से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, 2 साल पहले ही वीडियो बना दिया था मैंने सीईटी के बारे में, 2 साल पहले ही। हालांकि थोड़ा बहुत संशोधन किया गया था उसमें, 2 साल पहले ही वीडियो बनाया था। आप पता नहीं आप उस टाइम थे या नहीं थे मेरे साथ, हाँ, लेकिन पहले ही बना दिया था मैंने वीडियो एक, लेकिन आज भी बनाऊंगा, है ना। अरिंदम कह रहे हैं सर सब्सक्रिप्शन, मैं बताऊंगा अरिंदम कैसे लेना है, लास्ट में बताऊंगा कि कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि जो मेरा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है ना, वो सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और कुछ हो या ना हो, मेरा फाउंडेशन कोर्स बहुत हेल्प करेगा आपको सिलेक्शन लेने में। ये लीजिए, इसका आंसर दीजिए, कम ऑन, कैसे करने वाले हो, कम ऑन। टाइम सब हो गया, चलिए कैसे करेंगे। एक दुकानदार 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल, 70.75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम चावल, और अगर दोनों को मिलाया जाए तो इतने में बेचता है, तो लाभ क्या होगा? कौन सा मेथड लगाओगे? वेल डन मेरे दोस्तों, JSM जिंदाबाद। एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, JSM लगाऊंगा। देखो सर कैसे लगाते हो, देखो एक 30 किलोग्राम है और एक 20 किलोग्राम है, यानी कि 3:2 में है, 70 रुपए के हिसाब से है, 70.75 रुपए के हिसाब से है। मान लो मिनिमम क्या है, जूनियर ले लो, जूनियर, इन दोनों में जूनियर 70, इधर से कुछ आएगा ना, इधर से आएगा 0.75, 0.75 गुणा 2 1.5, केक कटेगी तो पूरे रेशो में बटेगी 5 में। इतना प्यार से आ गया यार, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसी जिंदगी कितनी प्यारी लगती है। 70.3 हमारा आ गया क्रय मूल्य, बेच रहा हूं इतने में 80.5 में, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10.2 का, किसके रेस्पेक्ट में? 70.3 के रेस्पेक्ट में, या फिर मुझे कुछ करना ही नहीं है शायद इसमें। लाभ पूछा गया है कि उसका लाभ कितना हो रहा है, तो 10.2 का लाभ हो रहा है एक यूनिट पर, तो 50 पर कितना हो जाएगा? लो 10.2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक किलोग्राम पर, तो 50 किलोग्राम पर कितना हो जाएगा? आ गया, आ गया, आ गया भाई, 510 रुपया। मजा आया? कितने लोगों को आया? 5 सेकंड में कर सकते थे, 10 सेकंड मान लो यार, 5 सेकंड तो चलो कम हो गया, 10 सेकंड में कर सकते थे। कंसेप्ट इस पावर, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं सारी चीजें, बिना कंसेप्ट के कुछ भी नहीं है। और अगर वो आपके पास, ये 50 कहां से आया? 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम, टोटल 50 किलोग्राम था ना, तो ये जो हमने निकाला है ये पर किलोग्राम का लाभ है, इतने में खरीद रहा हूं, इतने में बेच रहा हूं प्रति किलोग्राम, फिनिश। अगला प्रश्न ये लीजिए, लेंदी तरीका भी आता है, लेंदी तरीका भी बता सकता हूं, नहीं बुझा रहा है, अब बताते हैं, बुझा देते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। चलो क्या हम कह सकते हैं कि हमें नेट निकालना है, नेट क्रय मूल्य, यानी कि पूरी डील में नेट क्रय मूल्य क्या होगा। तो 70 रुपए प्रति किलोग्राम की 30 किलोग्राम चावल है, तो 70 × 30 प्लस 70.75 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने किलोग्राम चावल है? 20 किलोग्राम चावल है,
और टोटल कितना लिया है आपने 50 किलोग्राम, तो यहां से जो निकल कर आएगा वो 70.3 आएगा। वही वाली बात आ गई, अब 80.5 में बेच रहे हो, तो 70.3 में खरीद रहे हो, 80.5 में बेच रहे हो, 1 पर 10.2 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 50 किलोग्राम पर कितना आएगा 510। तो ये है उसका अल्टरनेटिव तरीका जेएसएम का। लेकिन जेएसएम से कैलकुलेशन ये वाली इजी हो जाती है, क्यों? क्योंकि हम यहां बेस मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बुझा गया। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, और फिर बताएंगे कि कितने सही हुए। कम ऑन गाइस, जल्दी से करके बताओ। बहुत बढ़िया, अरे वाह, 5 सेकंड का। देखो एक ही फॉर्मूला कितने तरीके से लग रहा है, देख पा रहे हो आप? बुझा पा रहा है? बुझा? टाइम्स अप, एक व्यापारी नगद भुगतान 10% की छूट, 17% का लाभ, और लागत मूल्य और चिन्हित मूल्य। अरे ले, हमसे पूछ रहे हो? 100 प्लस P, 100 माइनस D, याद करो माय डियर, 90 और 117 कट जाएगा 9 से, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 10 बटे 13 कितना आ रहा है? 30%। ये तो बोला लागत मूल्य से कितना अधिक है, 30% अधिक है, ऑप्शन नंबर ए। बुझाया? बुझाया कि नहीं बुझाया? वीडियो को लाइक करेंगे, दिल से करेंगे भाई, दिल से लाइक करेंगे। और अगर किसी का भला करना चाहते हो तो एक भला काम कर सकते हो, जरूरतमंद के पास पहुंचा दो डियर, पहुंचा दो प्लीज, जरूरतमंदों को दो। इसे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर कर दो इसको जितना करना है। 3 बजे आपकी मैथ पीवाई की सीरीज होगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन मैथ का अनअकैडमी पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। साहिल 10 लगाकर आपको मेरे साथ जुड़ना है। फाउंडेशन बैच, पर्सनल गाइडेंस, एसएससी एग्जाम्स में जाएं, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लें और साहिल 10 एज ए कोड लगा दें। अब जैसे ही साहिल 10 लगाएंगे, अप्लाई करके डिस्काउंट मिलेगा। आस्क के डाउट, रेज हैंड, टेस्ट सीरीज, आइकॉनिक फीचर, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपके लिए बढ़िया तरीके से स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 26 तारीख को, वो भी आप दीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। और टेस्ट सीरीज के लिए आप स्कैन करके लगा सकते हैं। तो रिपोर्ट एंड विन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।